आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट भी किस चीज़ का रिजल्ट की बात करने जा रहे हैं हम, टेस्ट सीरीज 34 के रिजल्ट की। एक्चुअली में क्या, इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज 34 का जो सॉल्यूशन बना दिया है इसकी वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा 120 प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया है, जिसमें से केवल और केवल मात्र 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फुल में से फुल नंबर आए। 110 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मामूली सा एक एक क्वेश्चन गलत है, बहुत ही हल्के हल्का सा गलत है। तो इस पूरी टेस्ट सीरीज का मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन बना दिया है। जो प्रश्न ये थे, जो पहले 3% थे, ये लगभग सभी के ठीक गए हैं 99%। 1% कौन से बच्चे हैं वो सॉल्यूशन बता दूंगा, कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये गलत किया है। अब बात आ रही है इनकी, जो ये नीचे के 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा थोड़ी बहुत देर बाद, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपका सॉल्यूशन की वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, पहले हम इसकी बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट आपका है, रिजल्ट देखिएगा। मैं आपको पहले तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, देखिएगा रिजल्ट। और आज के रिजल्ट की खास बात मैं बता दूँ आपको, आज के रिजल्ट की खास बात यह है कि मोस्टली गर्ल्स के जो नंबर हैं वो हाई हैं। 10 में से आपके 8 गर्ल्स के फुल में से फुल नंबर हैं और 2 लड़के हैं, बॉयज़ केवल 2 हैं। तो शायद ये हो सकता है कि गर्ल्स पूरा वीडियो देखती हैं, ध्यान से देखती हैं, और बॉयज़ का तो आपको पता ही है। अभी यहाँ पर देखें, कट देखने यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, पूरा काम खत्म, पूरी वीडियो देख ले, ऊपर से फिर क्या करेंगे, सर नोट्स। अबे नोट्स का क्या करोगे जब आप वीडियो ही नहीं देख रहे हो? तो मेरे नोट्स इस तरीके से हैं, ये समझ लो आपके हाथ में हवाई जहाज दे दो, जब तक चलाना नहीं आएगा तो आप दिल्ली से चेन्नई नहीं पहुंच पाओगे। और औरों के नोट्स क्या हैं, आपके बाइक साइकिल जिसको हर कोई चला लेगा, ठीक है। तो इन नोट्सों को पढ़ने के लिए एकदम हैवी क्वालिटी के नोट्स हैं, इतने अच्छे नोट्स दिए हैं मैंने, उनको पढ़ने से पहले आपको मेरी वीडियो देखो उसमें क्या चीज़ है। क्योंकि मैं हर नोट्स में, पता है क्या, जो आपके पेपर में यानी कि जो बुक है, बुक के होंगे कम से कम आपके बुक के पूरे 30-35 पेज होंगे एक पेज में, एक उसमें चैप्टर में, तो उसके नोट्स बनाए गए पहले आपके 20 पेज के, फिर 20 पेजों को और छोटा करके फिर उनको मात्र आपका 15 से 16 पेज में पूरे नोट्स, यानी कि जो बुक के आपके 35-40 पेज थे उनको मात्र 15 पेजों में लाया गया है, पूरा वो सारा का सारा मटेरियल 15 पेज में। और एक बुक नहीं, पूरे 6-7 बुकों का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से जो चीज़ जहाँ से छोटी लगी है वहाँ से उठा के नोट्सों में डाली गई है, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर मत किया करो। आज का जो टेस्ट है बहुत ही, मतलब ये समझिए जिस दिन मैं कॉपी चेक करने की बात करता हूँ, लेकिन आज मेरा माइंड अपसेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सभी की कॉपियाँ चेक की हैं और ये टेस्ट बनाया है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला जो है दिखाई दे रहे हैं ये है वंदना राजपूत, ये मथुरा यानी यूपी से फुल में से फुल नंबर है। बहुत अच्छा राइटिंग के साथ में बहुत अच्छा कंसेप्ट, जो मैंने जैसा सॉल्यूशन बताया था सेम टू सेम उसी तरीके का दिया है, बहुत अच्छा था, पूरा फुल में से फुल नंबर आए हैं। नेक्स्ट आपका प्रिया यादव जौनपुर यूपी से है, जौनपुर यूपी में पड़ता है क्या, चलो जो भी है हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फुल में से फुल नंबर हैं, बहुत अच्छा काम था, यानी कि जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है उसी तरीके का इनका सॉल्यूशन था, समझ रहे हो बातों को। तो मतलब क्या है कि इन्होंने पूरा वीडियो देखा तब इनका सॉल्यूशन ये बना है, आपने नहीं देखा है तो आप पर नहीं बना है। चलिएगा, आपका ये गरिमा देवी गौतम, इन्होंने एड्रेस नहीं बताया, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी लोग इसी तरीके से वर्क करते रहोगे तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ में आपका 90% 95% आएगा। और यदि इसी तरीके से हाल रहे और बच्चों का जैसा, तो भाई 80% तक भी पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। कीर्ति यादव प्रतापगढ़ यूपी से फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था और फुल में से फुल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके यतेंद्र प्रजापति, ये गवाना अलीगढ़ से हैं, फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था, शायद इन्होंने पहली बार टेस्ट दिया। आज काफ़ी बच्चों ने पहली बार टेस्ट दिया था, तो वो मायूस ना हुए और स्ट्रेस ना जमा करें अपने दिमाग पर, क्योंकि आपकी एक एक मामूली छोटे छोटे पॉइंटों की गलती थी, जो कि मैंने हर गलती पर आपको काट दिया है। क्योंकि आपको, मैं ये चाहता हूँ कि बोर्ड में यदि मैं आपको अब आपकी गलती को इग्नोर कर दूंगा, आपको फुल में से फुल नंबर दे दूंगा, तो अगली बार भी तुम उतनी ही गलती कर दोगे, मैं फिर फुल में से फुल दूंगा, फिर आगे फिर गलती करोगे, तो मतलब क्या, आप गलतियों का पुतला बनते जाओगे।
और मैं नहीं चाहता कि आप तनक भी गलती करो, क्योंकि आज मैंने ये छोटी गलती आपकी इग्नोर कर दी, तो आपका मतलब ये है कि मैं अगली गलती करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ। आज मैंने तुम्हारी छोटी सी गलती को मैंने रोक दिया, तो आगे तुम इतनी सी गलती नहीं करोगे। करने से पहले कॉपी सेंड करने से पहले उसको चेक करोगे, मेमोराइज करोगे दिमाग में कि ये क्वेश्चन क्या था, हम उत्तर क्या लिख रहे हैं, तो आगे तुम्हारा बोर्ड में, और बोर्ड में देने के बाद किसी मान लीजिए कोई भी जॉब करोगे, जॉब के लिए NDA वगैरह का जब इंटरव्यू दोगे एयरपोर्ट्स वगैरह का, तो हमें छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि आपको इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उनसे सीखो आज। और कुछ बच्चे क्या है, मेरे पे कमेंट करते हैं जब मैं मैसेज को बोल रहा हूँ मैं गोल खींच दिया, तो मैं कोई पागल नहीं हूँ आपको, मतलब आपका जो क्वेश्चन गलत है तो गलत है। अब उसमें आपको क्या करते, सर मेरी गलती कहाँ पर है मेरे को बताओ, ये है वो है। अरे जब मैं सॉल्यूशन बताऊँ, जब आपको गलती पता चल जाएगा, जब मैंने पूरा सभी के पास पहुंच गया होगा मैसेज कि मैंने ऐसे करके लाल पेन कर दिया, तो उस लाल पेन में देखो ना कि मेरी गलती मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, फिर मैं बता दिया तो अच्छा ये गलती है। तो ऐसा ना किया करें, जब मैं गलत कह रहा हूँ तो अब पहले उसको ढंग से देखो, चलो नहीं समझ में आ रहा है तो अब कर लो, एक बार कर लो फिर मैं दोबारा बता दूँ। लेकिन नहीं, एक बच्चे ने 9 बार मैसेज किया है मेरे को बताओ, मैं 9 के 9 बार रिप्लाई दिया है। खैर छोड़ो, आगे देखिएगा, माया विश्वकर्मा देवरिया यूपी से फुल में से फुल नंबर, बहुत अच्छा काम था, फुल में से फुल नंबर। नेक्स्ट आपका स्वाति सिंह चौहान, ये मैनपुरी यूपी से फुल में से फुल नंबर हैं, बहुत अच्छा काम था और अच्छे मार्क्स हैं। इसी तरीके से आप लोग, सभी लोग से मैं बोलूँगा इसी तरीके से मेहनत करिएगा, आपका अच्छा स्कोर रहेगा। नेक्स्ट है अंशिका सिंह, ये उन्नाव क्या है सुमेरपुर, इन्होंने ना तो फोटो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल में से फुल नंबर है, बहुत अच्छा काम था। नेक्स्ट सुलेखा यादव, फुल में से फुल नंबर, इन्होंने भी एड्रेस नहीं बताया है, फुल में से फुल नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहम्मद फुरकान, नवाबगंज बरेली यूपी से फुल में से फुल नंबर था, बहुत अच्छा काम था, बहुत मेहनत की है, बहुत ही अच्छा राइटिंग के साथ भी, बहुत इन बच्चों की राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम था, ओवरऑल एवरीथिंग इज ओके, बोले ना वेरी बेस्ट, वो हिसाब था, बहुत अच्छा काम था। तो मैं यही चाहूँगा कि अगली बार मेरे को 100 बच्चों के नाम बोलना पड़े, मतलब कि 100 बच्चों के फुल में से फुल नंबर आए, 100 से प्लस, मैं तो कहूँगा फुल में से बोले 120 के 120 आने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा बातों को सीखना है, मेमोराइज करना है कि मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मीन्स क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखो, 5 बार देखो, कब तक नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। आप पता है क्या आप सोचते हो, आप ये चीज़ करने का प्रयास करते हो कि एक ही चीज़ को 1 सेकंड दोगे और उसको पूरा आ जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि एक ही मिनट में इतने 50 क्वेश्चन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में कभी फिर उसमें से कोई गलती रहे नहीं। आज आपको अपनी गलती का पता चल रहा होगा, छोटी छोटी मिस्टेक की है आपने, तो ये मिस्टेक आगे ना हो पाए, तो कल फिर आपको सिलेबस मिल रहा है एक टेस्ट सीरीज 35 का, और फिर परसों फिर से टेस्ट है, तो उम्मीद यही रहेगी कि आप फुल में से फुल नंबर आएंगे। तो बाकी तो आपको पता ही है क्या करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।